भगवान है वाले चंदा की मिलाने मैं तेरे को दूंगी फिर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बना रही हूँ गाजर का हलवा, धो के छिल लिया है, छिल के धो लिया है और यहाँ पर इसको कद्दूकस कर लिया है मैंने। मुझे ना कद्दूकस करा हुआ ही गाजर पसंद है हलवा और मेरे घर में सबको, तो इसको सीधे पकाने डालूँगी घी में भून के। तो घी में भून के मैंने ये पकाने डाल दिया था इस तरीके से, ऑलमोस्ट पक चुका है गाइस। ये इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया है, अब नेक्स्ट टाइम करूँगी। और यहाँ पर ना पकने के बाद मैंने इसमें मावा डाल दिया बीच में, क्योंकि नीचे से घी है तो उसमें थोड़ा सा इस ये भुन टाइप का जाएगा। और ये मावा मैंने मार्केट से मंगाया हुआ है, तो ये आधा किलो मावा मंगाया था पर आधा किलो नहीं डाला है। और ये गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बना था, इस सीजन का, सीजन वाला गाजर नहीं है, वो जो रेड वाला आता है ना वो गाजर है, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मैं ना फ्लावर और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो और यहाँ पर क्या हुआ था पता है, मैंने सब्ज़ी तीन गैस जलाई हुई थी, तो ये मैं मावा दिखा रही थी आप लोगों को। तो तीनों गैसों में मेरी कढ़ाइयाँ रखी हुई थी, ये देखिए, तो मैं यहाँ पर तीनों काम एक साथ कर रही हूँ। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फटा एक तीनों काम एक साथ हो जाएंगे करके, मैंने सोचा चलो सब्जी भी लगा देती हूँ क्योंकि 7:30 का टाइम हो गया था यहाँ पर। तो गाजर का हलवा तो मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था, मैंने कहा थोड़ा सा इसको मावा उसको मिक्स के, तो यहाँ पर तीन और एडजस्ट भी हो पा रही थी ये एक साथ, मैं यहाँ पर एक साथ उनको एडजस्ट कर रही थी और बना रही थी। करेला मैंने ऐसे ही बनाती हूँ, करेला मतलब सिंपल सा तेल डाल के, राई के तेल में उसको कड़क वाला बना देती हूँ, जो मेरी गुड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, उसकी फेवरेट सब्जी है ये मेरी शिवांगी की, छोटी सी बच्ची की, करेले उसकी फेवरेट है। आज उसने ना फ्लावर की सब्जी भी उसे अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे करेला पसंद है, वो कच्चा करेला तक खा जाती है। और सच्ची में यार मुझे तो गजब लगता है उसको देख के कि वो कच्चा करेला भी खा जाती है, उसे इतना अच्छा लगता है करेला, उसकी फेवरेट है ये सब्जी। जब करेला कटता है ना तो सुयस बोलता है शिवांगी की फेवरेट सब्जी, शिवांगी की मनपसंद सब्जी करेला, तो कच्चा भी खा जाती है। और उसी के साथ आज उसने रोटी खाई, फ्लावर की सब्जी के साथ रोटी नहीं खाई, और सुयस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसका बिल्कुल उल्टा, वो बिल्कुल करेला नहीं खाता। मैं उसको फिर भी रोटी में थोड़ा सा लगा के, सब्जी लगा के खिलाती हूँ, पर वैसे नहीं खाता। और मेरी गुड़िया पूरा खा जाती करेला, वैसे ही कच्चा खा जाती तो वैसा तो खाएगी ना। तो यहाँ पर ऑयल रखा था और उसको गर्म हो कि मैंने जीरा वगैरह डाला और उसके बाद सब्जी डाल दूँगी, सब्जी थोड़ी देर भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर जो मैंने पीस के रखा है, अदरक और टमाटर। आप लोगों को पता है मैं, हम लोग लहसुन प्याज बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि मम्मी के लिए फिर अलग से नहीं बनाते ना, फिर अपने लिए अलग से बनाओ, मम्मी के लिए अलग से बनाओ, ऐसा नहीं। कभी छोले वगैरह जब मैं बनाती हूँ तब मैं मम्मी के लिए बॉयल निकाल के फिर उनके लिए बाद में टमाटर वगैरह छौंका लगा लेती हूँ और लहसुन प्याज, मतलब जिसमें पड़ना बहुत ज़रूरी होता है उसी सब्जी में हम लोग लहसुन प्याज डालते हैं, बाकी नहीं डालते हैं क्योंकि घर में रहता है ना फिर दो दो सब्जियां बनाने का इसलिए। और यहाँ पर देखिए मैं तीनों काम एक साथ कर रही हूँ, तीन तीन सब्जियाँ मेरी बन रही है यहाँ पर। मुझे हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा कि कढ़ाई ना वहाँ पर वो नहीं हो रही थी, लेकिन गाजर का हलवा बन चुका था, फिर बाद में मैंने उसको निकाल के साइड में रख दिया, ये कढ़ाई नीचने वाली थी मेरी, और फिर मैंने कहा इसको निकाल देती हूँ और सब्जी बना, वो क्या बोलते हैं, सब्जी अच्छे से बना लूँगी, क्योंकि यार यहाँ पर तीन कढ़ाइयाँ एक साथ नहीं आती, जबकि बीच वाली जो कढ़ाई है ना वो छोटी है, फिर भी नहीं आ पा रही थी यहाँ पर, वो लग रहा था एक दूसरे से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने कहा कहीं सब्जी वाली कढ़ाई गिर ना जाए।
तो ये देखिए गाजर का हलवा, सच्ची में यार ये मौसम में, और मतलब मुझे इतना मन कर रहा था ना गाजर का हलवा खाने का, मीठा खाने का मन कर रहा था, सच्ची में गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो कल मुझे गाजर मिला और कोई वो ही नहीं था। फिर मैं घर लेके आई ना, मैं 2 किलो गाजर लेके आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो मम्मी हलवा बना देते। तो मम्मी ने बोला ये वाले गाजर का तो अच्छा ही बनता है, पर पापा बोल रहे थे उतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन बहुत टेस्टी बना था सच्ची में। जबकि हम लोग ठंडी में ही बनाते हैं गाजर का हलवा, पर इस बार हमने अभी भी बना दिया। ये देखिए गाजर का हलवा तैयार हो गया। इसमें डाल दिया ड्राई फ्रूट कट करके, काजू बादाम और वो डाला था मैंने किशमिश, और हाँ यही डाला था, बस इतना ही डाला था। तो गाजर का हलवा रेडी है, आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग सुनोगे ना तो डर जाओगे। चलो फिर आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। ओके okay?